दिस न्यूज प्रोड्यूस्ड बाय सनराइज अपार्टमेंट। पुलिस स्टेशन अंतर्गत सोमवार के तड़के करीब 5:30 बजे के आसपास राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 के वडोदा समीप लक्ष्मी स्टील कंपनी के पास पुलिस हवालदार शिवा नागरे और जीतू बोरकर अपनी कार क्रमांक MH 31 CS 4454 से पेट्रोलिंग कर रहे थे। इस दौरान भंडारा से नागपुर की ओर जाने वाले मवेशियों से लदे वाहन ने पुलिस के वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे शिवा नागरे और जीतू बोरकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए नागपुर के निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह भंडारा से नागपुर मार्ग पर मवेशियों की तस्करी करने की जानकारी दोनों पुलिस कर्मियों को मिली। सरकारी वाहन थाने में उपलब्ध नहीं होने से शिवा नागरे ने अपनी निजी कार निकाली और वाहन की तलाश में निकल पड़े। इस दौरान वडोदा समीप पिकअप वाहन क्रमांक MH 33 G 1302 दिखने पर उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन पिकअप वाहन की रफ्तार काफी तेज होने से उसके वाहन चालक ने पुलिस के वाहन को कट मारा, जिससे पुलिस का वाहन सड़क के नीचे उतरकर एक पेड़ से जा टकराया। लेकिन इस हादसे में पिकअप वाहन भी पलट गया और उसमें बंधे कुछ मवेशियों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मौदा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक हेमंत कुमार खराबे को मिलते ही वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल दोनों पुलिस कर्मियों को नागपुर भेजा गया। दोनों पुलिस कर्मियों के बयान नहीं मिल पाने से पुलिस प्राथमिक तौर पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच पुलिस उपविभागीय अधिकारी मुख्तार बागवान व वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक खराबे द्वारा की जा रही है। आपके अपने चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।